वेलकम यू ऑल इन द बगड़ियाबाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लासेस. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 4, क्रिएटिंग अ चार्ट इन एक्सेल. द फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑप्शंस. नेम द एलिमेंट यूज टू डिस्क्राइब द डेटा सीरीज इन अ चार्ट. डेटा सीरीज को डिस्क्राइब करने के लिए जो एलिमेंट काम में लिया जाता है उसे कहते हैं डेटा लिगेंड. नेक्स्ट इज नेम द एलिमेंट दैट इज यूज टू गिव द हेडिंग ऑफ ए चार्ट. चार्ट की हेडिंग देने के लिए अपन यूज लेते हैं चार्ट टाइटल. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द वाई एक्सेस ऑफ चार्ट. वाई एक्सेस मीन्स वर्टिकल एक्सेस. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू इंसर्ट ए चार्ट इन ए न्यू सीट टैब. जो आपकी ऐसी कौन सी फंक्शन की है जिसका यूज है नई सीट के अंदर चार्ट इंसर्ट करने के लिए किया जाता है, तो वो आपकी F11. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट मेथड फॉर इंसर्टिंग ए हेडिंग फॉर ए चार्ट. तो इसके लिए आपकी होगी क्लिक ऑन द डिजाइन टैब, एड चार्ट एलिमेंट और देन चार्ट टाइटल A. नेक्स्ट इज ट्रू एंड फॉल्स. द फर्स्ट इज द एक्सेस. The x-axis is also known as category axis. It is true. x-axis को क्या कहते हैं अपन category axis और y-axis को क्या कहते हैं value axis. Next is we cannot modify a chart by changing its layout and style. आप chart के layout और style को change नहीं कर सकते. अपन कह सकते हैं उसे modify है वो नहीं कर सकते. तो ये false होगा, कर सकते हैं अपन. Next is a pie chart represent only one type of डेटा सीरीज. ये ट्रू है आपका. पाई चार्ट है ओनली वन डेटा सीरीज है वो आपकी रिप्रेजेंट करता है. नेक्स्ट इज लिगेंड आर द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस दैट एक्सटेंड फ्रॉम द एक्सेस एंड रन अक्रॉस द प्लॉट एरिया. जो डेटा लिगेंड के बारे में ये बोल रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस है जो आपकी एक्सेस के ऊपर होती है और जो अपन कहते हैं प्लॉट एरिया है उसको अक्रॉस करती है. तो उसे उस जो बार होती है उसे अपन क्या कहते हैं, ग्रिड लाइंस बोलते हैं, ना कि डेटा लिगेंड. तो ये फॉल्स होगा. नेक्स्ट इज वी कैन मूव ए चार्ट फ्रॉम वन सीट टू अनदर. चार्ट को एक सीट से दूसरी सीट पे मूव किया जा सकता है, तो ये भी ट्रू होगा. नेक्स्ट इज टू क्रिएट ए चार्ट क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब. चार्ट बनाने के लिए अपन इंसर्ट टैब पे क्लिक करते हैं, ये भी ट्रू है. द चार्ट रिप्रेजेंट डेटा इन रेक्टेंगल्स. जो चार्ट है रिप्रेजेंट करता है डेटा रेक्टेंगल्स के अंदर, तो वो कौन करता है आपका बार चार्ट. नेक्स्ट इज द चार्ट टूल कॉन्सेप्चुअल टैब दैट हैज टू टैब. चार्ट टूल के लिए आपके पास दो टैब है, कौन से, डिजाइन एंड फॉर्मेट. नेक्स्ट इज आर द मिनिएचर चार्ट. मिनिएचर चार्ट क्या होते हैं आपके, स्पार्क लाइन. नेक्स्ट इज जो स्पार्क लाइन का अपन ने प्रैक्टिकल किया था जिसमें एक पर्टिकुलर कॉलम के अंदर आपने चार्ट को क्या किया था, रिप्रेजेंट किया था. नेक्स्ट इज इन द चार्ट कैटेगरी आर ऑर्गेनाइज हॉरिजॉन्टली एंड वैल्यू आर ऑर्गेनाइज वर्टिकली. तो वैल्यू आपके वर्टिकली आती है कॉलम चार्ट में. नेक्स्ट इज राइट व्हाट इज चार्ट, हाउ इट इज यूजफुल. चार्ट क्या है, इसका ये कैसे यूजफुल है, तो इसका आंसर अपन यहां पे देंगे. चार्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड चार्ट. जो आपका डेटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसे अपन क्या कहते हैं, चार्ट कहते हैं. ओके नेक्स्ट इसमें एक साथ आप एक लाइन आप और जोड़ोगे इसके अंदर कि द कीबोर्ड शॉर्टकट टू इंसर्ट ए 2D कॉलम चार्ट इज एल्टर प्लस एन प्लस सी. ये लाइन आपको अपने आंसर में और इंक्लूड करनी है. नेक्स्ट इज नेम द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ चार्ट. चार्ट के अलग अलग जो कंपोनेंट्स है उसके बारे में अगर अपन बात करें तो डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ चार्ट के अंदर आते हैं जस्ट लाइक चार्ट एरिया, डेटा सीरीज, एक्सेस, प्लॉट एरिया, ग्रिड लाइंस, चार्ट टाइटल, एक्सेस टाइटल, ग्रिड लाइंस, डेटा लेबल और डेटा लिगेंड. दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट. नेक्स्ट इज लिस्ट द स्टेप टू इंसर्ट ए चार्ट इन एक्सेल. देखिए यहाँ पे थर्ड और फोर्थ जो क्वेश्चन है उसका आंसर अपन एक साथ मैंने यहाँ पे दिया है कि चार्ट को इंसर्ट कैसे करते हैं और कॉलम चार्ट को इंसर्ट कैसे करते हैं और एडिंग वेरियस कंपोनेंट ऑफ चार्ट, कैसे अलग अलग चार्ट कंपोनेंट है वो आप ऐड करते हैं. तो यहाँ पे मैंने दिया है क्रिएट ए कॉलम चार्ट, सेलेक्ट द डेटा एंड क्लिक ऑन इंसर्ट टैब. सबसे पहले आप डेटा को सेलेक्ट करें, देन इंसर्ट टैब पे जाएं, लोकेट द चार्ट ग्रुप. यहाँ पे चार्ट ग्रुप मिलेगा, क्लिक ऑन द इंसर्ट कॉलम चार्ट. यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा अपन को इंसर्ट कॉलम चार्ट.
फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट सेलेक्ट द 2D कॉलम चार्ट, जो ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी वहाँ से 2D कॉलम चार्ट सेलेक्ट करें। तो ये तो आपका हो गया हाउ टू इंसर्ट चार्ट, या अपन कह सकते हैं हाउ टू इंसर्ट कॉलम चार्ट। नेक्स्ट इज टू ऐड वेरियस कंपोनेंट, तो टू ऐड वेरियस कंपोनेंट्स सेलेक्ट डिजाइन टैब एंड सेलेक्ट चार्ट कंपोनेंट। आप डिजाइन टैब में जाएंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड चार्ट एलिमेंट, इस पर क्लिक करोगे तो आपके अलग अलग जो चार्ट कंपोनेंट है वो आपको शो होंगे, वो आप ऐड कर सकते हो। तो ये आपके थर्ड और फोर्थ दोनों का आंसर हो जाता है। और नेक्स्ट आता है वो आता है लिस्ट डाउन द स्टेप टू चेंज कॉलम चार्ट इनटू स्कैटर चार्ट। आपको यहाँ पे जो कॉलम चार्ट से स्कैटर चार्ट में आपको अपनी चार्ट को चेंज करना है, तो इसका मतलब ये हो गया कि चार्ट के टाइप को चेंज करना है। तो चार्ट के टाइप को चेंज करने के लिए अपन क्या करते हैं, क्लिक ऑन डिजाइन टैब, डिजाइन टैब में जाते हैं चार्ट टाइप, चेंज चार्ट टाइप, ये ऑप्शन आता है अपना, इसको सेलेक्ट करें, देन सेलेक्ट चार्ट, या अपन कह सकते हैं सेलेक्ट स्कैटर चार्ट, अपन जो स्कैटर चार्ट है उसको सेलेक्ट करेंगे और देन क्लिक ऑन ओके, ओके करेंगे तो आपका जो कॉलम चार्ट होगा वो स्कैटर चार्ट में चेंज हो जाएगा। थैंक यू।